jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसे सेक्स टूरिज्म का स्वर्ग भी कहते हैं। गोवा एक ऐसा शहर है जहां पुर्तगालियों ने 450 सालों तक राज किया। 19 दिसंबर 1961 को इसे भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया, इसलिए 19 दिसंबर का दिन गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। सेक्स वर्कर्स के हित में काम करने वाली संस्था ARZ की रिपोर्ट के अनुसार गोवा में हर साल 1000 लड़कियां सेक्स वर्कर के तौर पर लाई जाती हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से लड़कियों को रोजगार देने का लालच देकर यहां लाया जाता है। इन लड़कियों को गोवा के मसाज पार्लर, कसिनो और होटलों में सेक्स वर्कर के तौर पर रखा जाता है। गोवा सेक्स टूरिज्म के अलावा और भी कई चीजों के लिए जाना जाता है। गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी पिछले 450 सालों से रखी हुई है। इस डेड बॉडी को हर 10 साल में एक बार दर्शन के लिए रखा जाता है। 2014 में इसे आखिरी बार लोगों के दर्शन के लिए रखा गया।